हेलो स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 10.1 पे हर क्वेश्चन नंबर है 1 क्या कर राइट द कम्प्लीमेंट्री ऑफ इच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। देखिए कम्प्लीमेंट्री, तो देखिए 90 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करने से 70 इसका आ जाएगा, इसका आपका 55 डिग्री आ जाएगा। 90 में से 90 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 0 डिग्री आ जाएगा। और देखिए 90 में से 77 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13 डिग्री आ जाएगा, 90 में से 30 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। यही इसके कम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, 90 में से सब्ट्रैक्ट करके लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट इज द सप्लीमेंट्री ऑफ इच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। देखिए फर्स्ट 54 का, तो 180 में से 54 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 126 डिग्री आ जाएगा। सेकंड नंबर देखते हैं 132 का सप्लीमेंट्री, तो 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 48 डिग्री आ जाएगा। अच्छा थर्ड नंबर 138 का सप्लीमेंट, यानी कि 180 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 42 डिग्री आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ एन एंगल इज 28 लेस देन इट्स कम्प्लीमेंट्री फाइंड इट्स मेजर। तो यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट द हम लोग यहाँ पे लेट द ऐसे ले लेते हैं कि लेट द मेजर ऑफ द एंगल बी एक्स डिग्री, एंड यहाँ पे ये भी लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा एक्स का, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एक्स डिग्री क्या हो जाएगा, 90 माइनस एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एन एंगल इज 28 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। ये एंगल एक्स जो है अपने कॉम्प्लीमेंट्री से इससे क्या है, एन एंगल इज लेस देन 28 डिग्री इट्स कम्प्लीमेंट्री, ये कम्प्लीमेंट्री से 28 लेस देन है। चलिए हम लोग इसके कम्प्लीमेंट्री में से 28 लेस कर देंगे तो अब ये इक्वल हो जाएगा। चलिए एक्स डिग्री इक्वल टू में यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस एक्स माइनस का 20, माइनस एक्स इधर आके प्लस का तो 2x हो जाएगा, और इधर 90 में से 28 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो यहाँ पे ये देखिए 2, और यहाँ पर आपका आ गया 8 में से 2 62 डिग्री, ये 2 जाएगा डिवाइड में तो एक्स इक्वल टू में 62 बाई में 2 यानी कि 31 डिग्री है ना। तो देयरफॉर यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड एंगल जो हो गया वह कितना हो गया, 31 डिग्री का होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है कि इफ एन एंगल इज 30 डिग्री मोर देन 1/2 ऑफ इट्स कम्प्लीमेंट्री फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल। तो यहाँ पे ले लेते कि लेट द मेजर ऑफ द एंगल बी एक्स, ठीक है। अच्छा अब एंड कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा इसका, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एक्स डिग्री, एक्स का कॉम्प्लीमेंट्री तो 90 डिग्री माइनस एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल जो है 30 डिग्री मोर है 1/2 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, एंगल जो है 30 डिग्री मोर है किसके, 1/2 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री के 1/2 से 30 डिग्री मोर है, तो 1/2 कॉम्प्लीमेंट्री के कर दिए, इससे ये क्या है 30 डिग्री मोर है, तो इसमें 30 ऐड कर देते हैं। चलिए एक्स इक्वल टू में यहाँ देखिए, आप चाहो तो एक काम करो यहाँ पे एलसीएम ले लो 2, 90 डिग्री माइनस एक्स और प्लस का यहाँ पर 60 डिग्री, ये आके इधर मल्टीप्लाई करेगा 2x इक्वल टू में ऊपर क्या हो जाएगा 150 डिग्री और माइनस का एक्स, इधर आके प्लस का तो 3x हो जाएगा इक्वल टू में 150 डिग्री, ले जाएंगे डिवाइड में तो एक्स इक्वल टू में 150 डिग्री और बाई में 3 कट जाएगा यहाँ पे 50 टाइम्स में, यानी कि 50 डिग्री उस रिक्वायर्ड एंगल हो गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं रिक्वायर्ड एंगल जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर टू सप्लीमेंट्री एंगल आर इन द रेशियो 4:5, फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल्स, लेट द फर्स्ट एंगल हम लोग 4x एंड सेकंड एंगल जो है आपका 5x, रेशियो में देते से ना जी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 क्योंकि सप्लीमेंट्री है ना, सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो ये 9x इक्वल टू में 180 और 9 जाएगा डिवाइड में तो यहाँ आ जाएगा 20 डिग्री। तो यहाँ पे फर्स्ट एंगल क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंगल जो था आपका 4x, तो यानी आ जाएगा 4 इंटू में 20 डिग्री, 80 डिग्री हो जाएगा। और सेकेंड एंगल क्या हो जाएगा, सेकेंड एंगल जो है आपका है 5x, यानी कि हो जाएगा 5 इंटू में 20 डिग्री, ये आपका 100 डिग्री हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर, टू सप्लीमेंट्री एंगल डिफर्स बाय 48, फाइंड द एंगल्स। यहाँ पे ले लेते हैं लेट द
फर्स्ट एंगल बी यहाँ पर x डिग्री, एंड सेकेंड एंगल क्या हो जाएगा, सेकेंड एंगल क्या हो जाएगा, सेकेंड एंगल बी क्या हो जाएगा यहाँ पर x प्लस का 48 डिग्री, है ना, दोनों का डिफर है ना 48, तो ये दोनों का सम अगर डिफरेंस करेंगे तो 48 आ जाएंगे नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, तो इन दोनों का सम जो हो जाएगा आपका 180 हो जाएगा, सम ऑफ सप्लीमेंट्री 180 होगा ना जी, सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, तो यहाँ 2x इक्वल टू में 180 और माइनस का 48, 2x इक्वल टू में यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ 7 में से 4 गया 3, 132, x इक्वल टू में 132 डिग्री और बाई में 2, यहाँ पे 66 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ पे फर्स्ट एंगल जो हो जाएगा, फर्स्ट एंगल जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा 66 डिग्री, एंड सेकेंड एंगल, एंड सेकेंड एंगल क्या हो जाएगा, सेकेंड एंगल क्या है x प्लस का 48 डिग्री ना जी, यानी कि आ जाएगा 66 डिग्री और प्लस का 48 डिग्री, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 114 डिग्री, है ना जी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एन एंगल इज इक्वल टू 8 टाइम्स इट्स कंप्लीमेंट्री, डिटरमाइन इट्स मेजर। अच्छा हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट द मेजरमेंट ऑफ एंगल, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, लेट द मेजर ऑफ द एंगल बी एक्स डिग्री एंड कंप्लीमेंट्री ऑफ एक्स डिग्री क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि एन एंगल इज इक्वल टू द 8 टाइम्स ऑफ इट्स कंप्लीमेंट्री, अपने कंप्लीमेंट्री का 8 टाइम्स, तो इसी में 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ x इक्वल टू में आ जाएगा 720 और माइनस क्या 8x, ये आके इधर ऐड हो जाएगा तो 9x इक्वल टू में 720, ये जाएगा x इक्वल टू में 720 और बाई में 9, 80 टाइम्स में कट जाएगा, तो यहाँ पे 80 डिग्री आ गया, तो हमें जो रिक्वायर्ड एंगल चाहिए था वह क्या हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, यहाँ पे क्या करके द एंगल्स 2x माइनस 10 डिग्री एंड x माइनस 5 डिग्री आर कम्प्लीमेंट्री एंगल्स फाइंड x, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों कम्प्लीमेंट्री है, कह रहा है कि द एंगल्स 2x माइनस का 10 डिग्री एंड x माइनस का 5 डिग्री आर कम्प्लीमेंट्री एंगल, तो कम्प्लीमेंट्री जब एंगल्स हैं ये तो इन दोनों का सम जो होगा वह किसके इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री के, तो यहाँ 3x और माइनस का 15 इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि 3x इक्वल टू में उधर जाके ऐड हो जाएगा तो आ जाएगा यहाँ पे 115, x इक्वल टू में सॉरी कितना हो जाएगा यहाँ पर 105 ना होगा, तो x इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पर 105 डिग्री और बाई में 3 35 डिग्री आ जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आ गया यहाँ से 35 डिग्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है कि इफ एन एंगल्स डिफर फ्रॉम इट्स कम्प्लीमेंट्री बाई 10, यहाँ पे ले लेते कि लेट द मेजर ऑफ द एंगल बी x डिग्री एंड कम्प्लीमेंट्री ऑफ x डिग्री क्या हो जाएगा 90 माइनस x हो जाएगा ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल्स इज डिफर फ्रॉम इट्स कम्प्लीमेंट्री बाई 10, अच्छा डिफर है अपने कम्प्लीमेंट्री से कितना 10 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये काम करते हैं x डिग्री इज इक्वल टू 90 माइनस 5, ये देखिए क्या है ये इससे ये ले लेते हैं कि 10 ग्रेटर है, 10 डिफर है तो 10 ग्रेटर है, तो इसमें हम लोग 10 ऐड कर देते हैं इक्वल करने के लिए, x इधर आके हो जाएगा 2x और ये दोनों मिलकर हो जाएगा 100 डिग्री, तो यानी ये जाएगा डिवाइड में तो 100 डिग्री और बाई में 2 50 डिग्री आ जाएगा, तो यहाँ पे जो हमें रिक्वायर्ड एंगल चाहिए था रिक्वायर्ड एंगल वहाँ देखो क्या आ जाएगा 50 डिग्री, देख लो इसका कम्प्लीमेंट्री निकालेंगे तो क्या आएगा 40, जो कि इससे 10 डिफर है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या करा है कि दस सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 2/3 ऑफ इट्सेल्फ, डिटरमाइन द एंगल एंड इट्स सप्लीमेंट, यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट द मेजर ऑफ द एंगल
बी एक्स डिग्री एंड सप्लीमेंट ऑफ एक्स, सप्लीमेंट ऑफ एक्स डिग्री इज 180 माइनस का एक्स। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द सप्लीमेंट, इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 2/3 ऑफ इटसेल्फ। अच्छा यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पर एंगल का जो सप्लीमेंट है ना, वह 2/3 है इस एंगल का, इस एंगल का 2/3 है। तो ऐसे कर देते हैं, ये 3 जाकर उधर मल्टीप्लाई करेगा ना जी, तो 540 डिग्री और माइनस का 3x, माइनस 3x इधर आके प्लस का, तो 5x इक्वल टू में 540, यानी x इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ पे 540 और बाई में 5, 5 × 5, 5 × 5, 108। तो x का वैल्यू क्या आ गया 108। तो हमें जो एंगल चाहिए था, मेजर ऑफ द एंगल, वो क्या आ गया, मेजर ऑफ द एंगल इक्वल टू 108 डिग्री एंड इट्स सप्लीमेंट, इट्स सप्लीमेंट, इसका सप्लीमेंट एंगल क्या होगा, तो 180 माइनस एक्स, यानी कि 180 माइनस का 108, यानी 72 डिग्री आ जाएगा। समझ गए, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। एन एंगल इज 14 डिग्री मोर देन इट्स कम्प्लीमेंट एंगल, व्हाट इज द मेजर्स। यहाँ पे ले लेते हैं, लेट द मेजर ऑफ द एंगल बी एक्स डिग्री एंड यहाँ पर लिख देते हैं कि कंप्लीमेंटरी एंगल ऑफ एक्स डिग्री क्या हो जाएगा, 190 माइनस का एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एन एंगल इज 14 मोर देन इट्स कंप्लीमेंटरी एंगल, एक्स इज 14 मोर देन 90 माइनस एक्स। तो ये 14 मोर इससे है, तो इसमें 14 ऐड कर देते हैं, ये माइनस का एक्स इधर आकर 2x हो जाएगा और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 104, तो x इक्वल टू में आ जाएगा 104 और बाई में 2, यहाँ पे आ जाएगा कितना आपका 52 डिग्री। तो 52 डिग्री आ गया, तो हम लोग लिख सकते हैं कि रिक्वायर्ड एंगल जो हो गया, रिक्वायर्ड एंगल वह कितना हो गया, 52 डिग्री आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। द मेजर ऑफ द एंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री, फाइंड द एंगल। यहाँ पर ले लेते हैं कि लेट द मेजर ऑफ द एंगल बी एक्स डिग्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एक्स, सप्लीमेंटरी ऑफ एक्स डिग्री क्या हो जाएगा, वह 180 माइनस का एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेजर ऑफ एंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री, एक्स डिग्री जो है 180 माइनस एक्स का ट्वाइस है, ठीक है, एक्स इक्वल टू में 360 और माइनस का 2x, या किधर ऐड हो जाएगा, तो 3x हो जाएगा इक्वल टू में 360, इसको जाएगा डिवाइड में, तो 360 और बाई में 3, ठीक है, 120 डिग्री आ जाएगा। तो हमें यही ना निकलना था, देयरफॉर रिक्वायर्ड एंगल जो हो जाएगा वह 120 डिग्री हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है कि द कम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू द सप्लीमेंट ऑफ द थ्राइस ऑफ इट, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल। यहाँ पे ले लेते कि लेट द मेजर ऑफ द एंगल बी एक्स डिग्री। अच्छा इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एक्स डिग्री 90 माइनस एक्स एंड सप्लीमेंट्री ऑफ एक्स डिग्री क्या हो जाएगा, 180 माइनस एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल, यानी कि 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू द सप्लीमेंट्री ऑफ द थ्राइस ऑफ इट, ये किसके इक्वल है, सप्लीमेंट्री के थ्राइस। तो यहाँ पे ले सकते हैं 180 माइनस एक्स और इसमें हम लोग यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, थ्राइस हो रहा है ना जी। इफ द कम्प्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू द सप्लीमेंट्री ऑफ द थ्राइस ऑफ इट, इसके थ्राइस के इक्वल होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 270 माइनस का 3x, है ना जी, माइनस का 3x इक्वल टू में 180 माइनस का x, ठीक है, ये माइनस वाला इधर प्लस का ही, या कि इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें, 270 माइनस का 180
और इधर आ जाएगा प्लस का 3x और माइनस का x, यानी 2x आ जाएगा, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्री इक्वल टू में यहाँ पर कितना आ जाएगा 2x, ये जाएगा डिवाइड में, तो x इक्वल टू में हो जाएगा 90 डिग्री और y में 45 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर जो रिक्वायर्ड एंगल था, रिक्वायर्ड एंगल जो है वो कितना हो जाएगा 45 डिग्री का हो गया। समझ के चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। इफ द सप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल इज 3 टाइम्स इज कम्प्लीमेंट्री फाइंड द एंगल, यहाँ पे ले लेते हैं लेट द मेजर ऑफ द एंगल बी एक्स डिग्री। अच्छा कम्प्लीमेंट्री क्या होगा, कम्प्लीमेंट्री ऑफ एक्स डिग्री क्या होगा, 90 माइनस का एक्स हो जाएगा ना, एंड सप्लीमेंट्री ऑफ एक्स डिग्री जो होगा वह 180 माइनस एक्स होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, सप्लीमेंट्री जो है ना एंगल का वह 3 टाइम्स है अपने कम्प्लीमेंट्री के, सेम ही आंसर आएगा देखना ना, 180 माइनस एक्स इक्वल टू में यहाँ पे 270 माइनस का 3x, इसको इधर लाते हैं प्लस का 3x माइनस x और इधर आ जाएगा 270 माइनस का 180, यानी 2x इक्वल टू में यहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्री, यानी x इक्वल टू में 90 डिग्री बाई 2, यानी कि आ जाएगा यहाँ पे कितना 45 डिग्री। तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड एंगल जो हो जाएगा वो 45 डिग्री। यही क्वेश्चन थे, पूरा आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आर डी शर्मा सोल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.rabikansar.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लास छात्रा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल से वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।